बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल जठारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी, जिसको आलू भुना कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है, मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है और बहुत शौक से खाई जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 100 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। मैंने ना 1/2 टीस्पून में इसमें डाल दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ कटा हुआ जीरा। जीरा शामिल करने से इतना मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है ना। अब 1 स्पून की मदद से इस तमाम मसाले को हम दही में अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से मसाले के साथ फेंट लिया है, देखिए एक भी गुटली इसमें बाकी नहीं रही है। बस अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 4 दाने साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। अगर आप बड़े ले रहे हैं तो 2 भी काफी हैं, और अगर छोटे साइज के आलू ले रहे हैं तो फिर आप 5 से 6 भी डाल सकते हैं। अब इन आलुओं को छील के इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए तमाम आलुओं का छिलका उतर चुका है। अब इनको काटना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीच में से इस तरह से हाफ करने के बाद 1/2 लेंगे और उसको भी हम बीच में से कट कर देंगे और इसको छोटे छोटे इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। ज़्यादा बारीक क्यूब्स में मत काटिएगा, वरना ग्रेवी में भूनते हुए आलू टूट सकते हैं और फिर ग्रेवी भी हमारी अच्छी नहीं लगेगी और डिश भी हमारी परफेक्ट बन के नहीं तैयार होगी। तो ये साइज़ आपने आलुओं को रखना है। इसी तरह से मैं तमाम आलुओं को काट लूँगी। आलू भुनाई रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं इसे, तो अक्सर मैं ये बनाती रहती हूँ। आपको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। अब एक देगची में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल तकरीबन 1/4 कप के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे साबुत सफेद जीरा ले लिया है, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 इसमें मैंने काली मिर्ची शामिल कर दी है। ये तमाम मसाला शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने लो पर रखा हुआ है। ये मसाला थोड़ा सा सिजल होगा और फ्राई होगा, तो हम बाकी का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करेंगे। गरम मसाला देखें हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज के प्याज को चॉप करके डाल दूंगी। प्याज हमने बहुत बारीक चॉप करके डालनी है, चाहे तो हाथ से चॉप कर लें या फिर किसी चॉपर में आप आसानी चॉप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि प्याज अच्छे से बारीक फाइनली चॉप होनी चाहिए। बस प्याज को हम ट्रांसलूसेंट टोन तक पकाएंगे, प्याज को हमने गुलाबी या फिर ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है, देखें। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम पहले अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि आलू की कतलियाँ जब भी बनाएं अगर अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आलू की कतलियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट की बनती हैं। देखिए अदरक लहसुन हमारा दानेदार सा हो गया है, ब्राउन सा नज़र भी आ रहा है। अब मैं इसमें वो मसाला शामिल कर दूंगी जो कि हमने दही में फेंट के रखा था। दही और मसाला शामिल करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। यहाँ पे आप टमाटर 2 बड़े साइज के ले लीजिएगा और उसका पेस्ट बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे फ्रीज किया हुआ टमाटो पेस्ट शामिल किया है। इसकी वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 2 हरी मिर्चों को बारीक काट के डाल दूंगी। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज होती हैं। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूंगी, ताकि जो पेस्ट हमने डाला है जमा हुआ टमाटरों का वो मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए। अब एक फ्रैंक पैन में मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूंगी। ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब जो पोटैटोज हमने काट के रखे थे बॉयल्ड पोटैटोज, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस वक्त हमें फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, बल्कि हमें लो फ्लेम पर ही ये काम करना है। तमाम आलुओं को फ्रैंक पैन में ऐड कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि आलू हमारे अंदर से नमकीन हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आलूओं में आ जाए, और यह नमक डालने से आलू चिपकेंगे भी नहीं आपके फ्रैंक पैन में। बहुत हल्के हाथ से और बहुत एहतियात से हम आलूओं को फ्राई करेंगे ऊपर नीचे करते हुए। आलूओं पे बस हल्का सा कलर हमें लाना है। आलूओं को फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम तक कर लेना है, ताकि आलू हमारे जल्दी से कलर ले लें और फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम आलूओं के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस 4 से 5 मिनट हम आलूओं को फ्राई करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख लेंगे। आ जाते हैं अब हम अपनी ग्रेवी की तरफ। ये देखिए टमाटर जो हमने डाले थे वो मेल्ट हो चुके हैं
और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है इसका। अब इसको चलाकर देख लेते हैं। ये देखिए ये भुनने वाले कंडीशन में आ चुका है, बस इसको हम हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदरक लहसुन भी हमने पहले से ही भून लिया था। अदरक लहसुन को अगर शुरू में ही भून लिया जाए तो मसालों को ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस टमाटरों का कच्चापन हमें ख़त्म करना है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। 2 मिनट भूनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। इसका टेस्ट ग्रेवी में बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। इस स्टेज पर हरा धनिया ज़रूर शामिल करिएगा। मसाला हमारा भुन चुका है इस वक्त। ये देखिए मसाला कितना दानेदार सा हो चुका है भुन के, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब जो आलू और शिमला मिर्च हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे सब। बस अब बहुत एहतियात से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसको भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से लगे नहीं। भूनते वक्त मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम कर दी थी ताकि ये जल्दी से भुन जाए। अब इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी का पाउडर किस तरह से बनाना है ये वीडियो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि किस तरह से खुशबूदार और डंठल से पाक कसूरी मेथी आप घर में तैयार कर सकते हैं, इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम अगर टाइम निकालने के बाद अच्छे से करके रख लिए जाए ना तो बाद के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। अब इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के करीब होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाला भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ऑथेंटिक और बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट सी रेसिपी है गरम मसाले की। उसमें मैंने एक इंग्रेडिएंट इस तरह से भी डाला है जिससे ये होगा कि जब भी आप गरम मसाला खाएंगे आपके सीने में जलन नहीं होगी और ताजापित महसूस नहीं होगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया और मजीद इसमें शामिल करूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बाद में हमने आखिर में चीज़ें डाली हैं वो भी तमाम अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस हमारा आलू भुना बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू भुना बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये बनते हैं आलू। आलू की ये रेसिपी लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगी और बहुत ही लजीज लगती है। खासतौर पर पराठे के साथ ये बहुत मज़े की लगेगी। इसको आप नान और चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और इसके अलावा अगर आप मुझसे इन टच रहना चाहते हैं तो मुझे मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी तमाम रेसिपीज मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी नूर को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।